चलो चलो गहने रखो। मैडम मेले चार सिक्के। और ये मेरा ब्रेसलेट। सुषमा इयररिंग सोने के भाभी मस्त। सुषमा ये भी रखती हूँ। नमस्ते अनसुया जी। नमस्ते नमस्ते। आइए। अरे पूजा तो शुरू हो गई? नहीं नहीं अभी शुरू नहीं हुई, एकदम करेक्ट टाइम पे आए हैं। प्रसाद लेके जाइए। जी जरूर। वैसे मैं आपको ये पर्स लौटाने आया था। वो क्या है ना, सोनिया बेटी हमारे दुकान में भूल आई थी। अभी ये बब्बे सुषमा ये भी रखती हूँ। रख ये सेट और ये दो, ये चूड़िया दो। अरे 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 सॉरी। आराम से आराम से। आ तो नकली थे क्या? आ तो कारखानों थे क्या? कासा के ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। नकली है? भिक्खू भैया आप क्या कह रहे हैं? जवेरी की आंखें हैं, ये सोना नहीं है, ये तो कासा है। कासा मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि सारे जेवर आपकी दुकान से लिए हैं, तो फिर सोना नकली कैसे हो सकता है? कैसी बात कर रहे हैं अंशुआ बहन, जवेरी भाई के दुकान में नकली सोना मिल ही नहीं सकता। आपकी छोटी बहू ने हमारे दुकान से जेवर तो लिया ही नहीं। क्या सागर, ये भिक्खू भाई क्या कह रहे हैं? मॉम जवेर अंकल सही कह रहे हैं, मैंने कन्हैया लाल और सोनिया भाभी ने इनके शॉप से ही सोना लिया, लेकिन मही कहने लगी कि ये किसी और ज्वेलर को जानती है जिसके पास और अच्छे डिजाइन होंगे, और इसने कहा ये उन्हीं के पास से लेगी। तुम लोगों ने मही की ज्वेलरी ली कहाँ से? मॉम पता नहीं, मही अपने जेवर लेने खुद ही गई थी। इनफैक्ट मैंने मही से कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तो मही ने कहा कि आप तीनों यहीं से ले लो और तब तक मैं वहाँ से लेके आ जाऊंगी, और ये 2 घंटे में वापस आ गई थी। God, I just can't believe. अपने घर के ज्वेलर को छोड़ के तुमने किसी और ज्वेलर से गहने लिए ही क्यों? थक गया ना वो तुम्हें? नहीं बेटा, मुझे वो दुकानदार का नाम बताओ, मैं उसे ज्वेलरी कम्युनिटी से बाहर निकलवा दूंगा। मैं उस फ्रॉड को छोड़ूंगी नहीं, उसे जेल भिजवाऊंगी। नहीं 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 सासुमा, मेरे साथ किसी ने फ्रॉड नहीं किया है। मैंने जानबूझकर नकली जेवर खरीदे थे। मतलब तुमने घर वालों को ही धोखा दिया, घर के पैसों का ही गबन किया? क्यों मही जवाब दो। इसका जवाब मैं आपको देती हूं मैम साहब। मही बेन ने यह सब इसलिए किया ताकि हमारे बच्चों को एक बेहतर भविष्य मिल सके। मैम साहब हम तो इतने गरीब हैं कि 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती है, फिर शिक्षा कहां से दे पाते, पर मही बेन ने हमारे बच्चों के हाथ में कलम पकड़ाई, स्कूल में दाखिला के लिए पैसे दिए। इतना ही नहीं, परसों मेरे बेटे की शादी है और कन्यादान करने के लिए मेरे पास मंगलसूत्र के पैसे भी नहीं थे। ये तो मही बेटे ने खुद के लिए नकली जेवर खरीद के मेरे बेटे के लिए असली सोने का मंगलसूत्र बनवाया। वाह मही, तुमने तो कमाल कर दिया, सबका दिल जीत लिया। वाह मही, आज तो सोनिया भी तुम्हें कहती है हैट्स ऑफ। मही भाभी आज सोना खरीदने का दिन है, लेकिन आप सोना नहीं खरीदेगी ना तो भी चलेगा, क्योंकि आपके पास तो सोने जैसा दिल है। ना ना मैं। आज से मैं अपना चक्का कलम बदल लेता हूँ, देखना है खरा सोना तो मही मेहता है ना। ना 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 मैं डाकियों ना खोया मैं। अंशुआ जी आप कुछ नहीं कहेगी? कहूंगी ना, सबसे पहले ये कहूंगी कि मुझे बहुत फख्र महसूस होता है। हम सब तो 24 कैरेट सोना खरीदने में लगे थे, लेकिन मही ने सबसे कीमती चीज पाई, दूसरों की दुआओं में अपनी हिस्सेदारी। वाह मही, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारी यही थोड़ी बहुत अच्छाई की वजह से मैंने तुम्हें मेहता खानदान की बहू का दर्जा दिया। सोनिया भाभी आज तो मैं भी कहूंगी कि मही मेहता खुश हुई। क्योंकि सासु माँ ने मेरी तारीफ की, मेरी मही मेहता की। थैंक यू सासु माँ।
करो, तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। अच्छा सासू माँ, जब आपने आशीर्वाद दे ही दिया है तो फिर इच्छा भी आप ही पूरी कर दीजिए ना। अच्छा बोलो क्या चाहिए। सासू माँ, मैं आपकी कार में इन बच्चों को फिर से लॉन्ग ड्राइव पर ले जाऊं, प्लीज। क्या